बच्चों हमारा यहाँ पर समास जो हम सीख रहे थे उस समास में हमारा अगला है द्वंद्व समास। इस समास में जो दोनों पद होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं यानी महत्वपूर्ण होते हैं। इस समास को समझने का एक आसान तरीका इस तरह से है कि द्वंद्व समास जो है उसमें हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों शब्द जो होते हैं इसलिए प्रधान हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, विपरीत होते हैं। तो देखो बच्चों हमने ये देखा है कि विरुद्ध शब्द जहाँ दो पद एक पद दूसरे पद का अगर विरुद्ध है तो वो होता है द्वंद्व समास। जैसे कि देखो समस्त पद हैं माँ बाप, यहाँ पर अमीर गरीब। देखो बच्चे यहाँ पर हमने योजक चिन्ह भी इस्तेमाल किया है। कुछ बच्चे इस तरह से भी उसे आसान तरीके से ध्यान में रखते हैं कि योजक चिन्ह के द्वारा। ये योजक चिन्ह यानी यहाँ पर उसका अर्थ होता है और हम यहाँ पर विग्रह करते समय ये जो योजक चिन्ह को निकालेंगे और वहाँ पर और लिखेंगे माँ और बाप, अमीर और गरीब। इस तरह से यहाँ पर उसका विग्रह होता है। इस योजक चिन्ह के बदले हम सिर्फ यहाँ पर और अथवा ऐसे शब्दों को लिखकर हम इसका विग्रह कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। दोनों शब्द एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, अपोजिट होते हैं। बच्चों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे योजक चिन्ह नहीं आते हैं और डायरेक्ट एक शब्द लिखा जाता है कि जैसे बीमार जून, ये शब्द हैं। यहाँ पर भी देखो भीम और अर्जुन इस तरह के दो पद हैं और दोनों भी अगर देखा जाए तो दोनों के गुण अलग हैं, विरुद्ध है दोनों एक दूसरे के। इसीलिए ऐसा शब्द भी यहाँ पर द्वंद्व समास में आएगा जिसका विग्रह करते समय कोई भी आपका आसान तरीका जो है योजक चिन्ह यहाँ पर नहीं है लेकिन दोनों को देखना है कि उनके गुण कैसे हैं कि दोनों भी विरुद्ध हैं और इसीलिए भीमार्जुन का विग्रह भी आएगा भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन। तो इस तरह से बच्चों हमें ये द्वंद्व समास को याद रखना है जहाँ पर पहला पद और दूसरा पद दोनों भी प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विरुद्ध होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जो हमारा समास का अगला भेद है द्विगु समास। इस समास की पहचान है इसमें पहला पद संज्ञावाचक होता है तथा दूसरे पद के समूह विशेष का बोध कराता है, उसे कहते हैं द्विगु समास। तो देखते हैं बच्चों उदाहरण के तौर पर कि किस तरह से यहाँ पर होता है। जैसे कि यहाँ पर समस्त पद और विग्रह करके हम देखते हैं, यहाँ पर समस्त पद दिया है नवरत्न। देखो बच्चों यहाँ पर नव और रत्न ऐसे दो पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ पर पहला जो पद है वो दूसरे पद की संख्या समूह का विशेषण दिखा रहा है तो इसी तरह से इसका विग्रह हो जाएगा नवरत्न का नौ रत्नों का नौ रत्नों का समूह। तो यहाँ पर नौ रत्नों का समूह दूसरे पद की संख्या दिखा रहा है यानी उसका विशेषण दिखा रहा है, समूह दिखा रहा है नौ रत्नों का समूह। यहाँ पर हम विग्रह कर सकते हैं, समूह के बदले आप समाहार यह शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समाहार दोनों का अर्थ एक जैसा है। देखो जैसे कि पंजाब, पंजाब यहाँ पर भी पांच प्लस आबो इस तरह से दिया है, यहाँ पर पांच आबो का समूह, पांच
समूह, ये हुआ पंचांग। उसी तरह से सप्ताह, सप्ताह, देखो यहाँ पर भी सप्ताह यानी पहला पद सात और दूसरा हफ्ता इस तरह से दिखा रहा है, जैसे कि सात दिनों का समूह यानी सप्ताह, सात दिनों का समूह उसे हम सप्ताह कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर पहला पद संख्यावाचक है तथा दूसरे पद के समूहों का बोध यहाँ पर करता है। और ध्यान में रखना यही है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो वो होता है द्विगु समास। बच्चों यहाँ पर द्विगु समास में से कुछ उदाहरण बहुव्रीहि समास में भी आ जाते हैं, तो बस समास का भेद हमें उसके विग्रह पर तय करना है कि जिस तरह से हम विग्रह करते हैं उस तरह से उस समास के भेद को हमें पहचान कर लिखना होता है। तो बच्चों ये रहा हमारा द्विगु समास। बच्चों हमारे समास के प्रकारों में से हमारा आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। इस समास की यह खासियत है कि इसमें दोनों भी पद प्रधान नहीं होते हैं। देखो बहुव्रीहि समास में दोनों भी पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों पदों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है वो प्रधान होता है, वही पद प्रधान होता है। वो कैसे, अब हम यहाँ पर एग्ज़ाम के ज़रिए देखते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने दिया है कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यह समस्त पद हैं। यहाँ पर दो पद हैं चंद्र और शेखर, शेखर यानि मस्तक। तो यहाँ पर ये दोनों भी पद महत्व नहीं है, लेकिन ये दोनों पद हमें तीसरे ही किसी पद का विशेष जानकारी दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर विग्रह करते समय हम देखेंगे कि चंद्रशेखर यानि चंद्र है जिसके शिखर पर यानि मस्तक पर, चंद्र है जिसके शिखर पर वो है शिव। कौन है? शिव है ना। तो यहाँ पर ये दोनों भी पद इस शिव यानी ये तीसरे पद को विशेष बता रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ये है महत्वपूर्ण और वो है प्रधान तीसरा पद जो अन्य पद हैं, इसीलिए यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। तो और एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अंशुमाली, अंशुमाली यहाँ पर देखो अंशुमाली यानी अंशु है जिसकी माला। अब यहाँ पर अंशु का अर्थ होता है किरणें। तो बताइए बच्चों किसकी माला है किरणों की, कौन है, किसे संबोधित हो रहा है? बराबर सूर्य। कौन है वो? सूर्य। अंशु यानी किरण, अंशु है जिसकी माला है, जिसकी माला वो है सूर्य। आ गया ना, सूर्य ये अन्य पद तीसरा पद है जो महत्वपूर्ण है प्रधान है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कुछ कर्मधारय समास के भी यहाँ पर कुछ हमें द्वंद्व समास के भी यहाँ पर हमें उदाहरण मिलेंगे, द्विगु समास के भी सॉरी द्विगु समास के भी हमें यहाँ पर उदाहरण मिलेंगे। जैसे कि देखो दशानन, दशानन यहाँ पर दस है आनन जिसके, दस है आनन जिसके वो कौन है, हमें विशेष रूप से झट से याद आता है कि दस मस्तक किसके है, सर किसके है, तो वो है रावण। कौन है? रावण। तो ये पद तीसरा पद प्रधान है। तो इस तरह से दशानन जो है उसका विग्रह दस है आनंद जिसके। तो देखो बच्चों बहुव्रीहि समास का उदाहरण करते समय हम कैसे करते हैं, चंद्र है जिसके शिखर पर डैश करके हमने लिखा है शिव। तो इस तरह से लंबोदर, लंबोदर अब आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे लंबोदर यानी आपको झट से याद आता है कि गणेश यानी गणपति है ना। तो उसी तरह से लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर यानी पेट,
लंबा है जिसका उदर, और वो है गणेश। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक आखिरी उदाहरण देखते हैं कि पद्मासन, पद्मासन। यहाँ पर बच्चों पद यानी कमल, पद यानी कमल, और आसन यानी बैठने का स्थान। तो यहाँ पर पता है पद्मासन यानी पद यानी कमल है जिसका आसन, वह कौन है? सरस्वती। कौन है? पद्म अथवा कमल है जिसका आसन वो है सरस्वती। ये रहे हमारे बहुव्रीही समास के उदाहरण बच्चों, जिसे हम लिखेंगे अच्छी तरह से, और समझने की जो तरीका आपको सभी का बताया गया है वो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।